अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं हलवाई जैसे मज़ेदार से बेसन के लड्डू। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी और लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे घी और हमने इसे तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून हमने इसमें घी डालना है, क्योंकि ये रेसिपी जो है वो घी से बनती है। इसमें मैं डालूंगी 1 कप बेसन, और बेसन में हमने घी जो है वो एक साथ नहीं डालना, इसके साथ साथ हम फ्राई करते जाएंगे और इसको डालते जाएंगे, वरना एकदम से सारा घी डालेंगे तो वो बेसन जो है वो अपने अंदर जज़ब कर लेता है सारा। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, और इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए, क्योंकि बहुत सारा सब्र चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसीजर है। अगर आप इसे जल्दी जल्दी बनाएंगे तो ये अच्छे से नहीं बने। और इसमें ये जो गुठलियाँ सी बन रही हैं, आपने इनको चम्मच की मदद से इस तरह आपने दबाते जाना है और इसको हल्के हल्के फ्राई करना है। फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है कि फ्लेम आपका हाई नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम फ्लेम रखना है आपने, और उसी पे आपने बेसन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इस रेसिपी में आप चम्मच चलाते जाएँ और बेसन को फ्राई करते जाएं, और सब्र से काम लें। सब्र 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 सब्र, इसलिए कि जल्दी में ये रेसिपी ख़राब हो सकती है। अगर बेसन जल गया तो आपके लड्डू जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने। 1 टेबल स्पून इसमें मैं घी जो है वो और डालूंगी, और इसको हम दोबारा से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। ये रेगुलर बेसन है, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो बेसन जो थोड़ा मोटा होता है उससे बेसन के लड्डू बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इसको मैं तकरीबन हमने आधा घंटा तक लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है अच्छी तरह से। अभी खुशबू आने लग गई है, जैसे ये पैन को छोड़ेगा बेसन तो तब हमारा बेसन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई होगा। अभी तकरीबन फ्राई करते हुए मुझे 10 मिनट्स हो गए हैं। घी जो है वो देखें ऊपर आना स्टार्ट हो गया, बेसन भी हमारा जो है वो अब पतला हो रहा है। हलवाई जैसे लड्डू बनाने के लिए आपको बेसन के लड्डू बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसको हमने हलवाई जैसे लड्डू बनाने के लिए इसको हल्का सा हम कलर भी देंगे। थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। बेसन को फ्राई करते हमें तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट हमने इसे और फ्राई करना है ताकि अच्छा सा ये बेसन फ्राई हो और अंदर से कच्चा है कच्चा लड्डू जो है वो हमारे कच्चे ना बने। तो बेसन का फ्राई करना ही सबसे बड़ा मेहनत का काम है, और इसके लिए आपको बहुत सारा सब्र चाहिए, क्योंकि फ्लेम भी आपका लो टू मीडियम होता है, तो इसको हमने जलाना नहीं है, और बहुत स्लोली स्लोली ये प्रोसीजर है, तभी जाके हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनेगी, और हलवाई जैसे लड्डू बनेंगे हमारे। हम देखें बेसन में से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, यानी बेसन जो है वो हमारा अच्छे से पक चुका है और फ्राई हो रहा है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग होना स्टार्ट हो गया। तो अभी हम इसे 10 मिनट्स तक और फ्राई करें। हलवाई जैसे लड्डू बनाने के लिए हमें इसे बेसन के लड्डू का कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी फूड कलर, जिससे इसका कलर जो है बहुत अच्छा आएगा और बेसन भी थोड़ा सा फूलेगा और बहुत मज़ेदार सा ये लड्डू बनेगा। आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसमें डालना है, एकदम से सारा नहीं डालना, और फिर आपने इसको दोबारा से फ्राई करना है। इस तरह ये लड्डू जो हैं हमारे दानेदार बने। देखें ये कितना अच्छा इसका कलर आया है येलो। तो अभी हमने इसको और तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम और फ्राई करेंगे। इसमें पानी डालने से ये होता है कि बेसन जो है वो फूलता है, और ये देखें इस तरह हमारे लड्डू जो हैं वो बहुत ही दानेदार बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बहुत यमी। अगला प्रोसीजर भी अभी काफ़ी सारा है, इसलिए इस रेसिपी के लिए सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फ्लेम हमारा लो टू मीडियम है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बेसन को फ्राई करने में। जितना अच्छा हमारा बेसन फ्राई होगा और जितनी अच्छी तरह से मिक्स होगा, उतना ही लड्डू हमारा टेस्टी और यम्मी बनेगा।
हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें और घी ऐड किया है और इसको मैं दोबारा से 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूंगी। उसके बाद फिर हम फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और अभी हमने लड्डू बनाने हैं तो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा कि हमसे बर्दाश्त ही नहीं होगा कि हम जल्दी से इसे खा लें। बेसन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल भी अलग होना स्टार्ट हो गया है और बेसन पैन से अलग हो रहा है और ये जो हमारा बेसन है ये देखिए माशाल्लाह से दानेदार बना है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे और इसके बाद फिर अगला हम प्रोसीजर करें। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहना है क्योंकि पैन गर्म होता है तो ऐसा ना हो कि बेसन जो है वो जल जाए। तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ठंडा होने तक जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। पैन में डालेंगे हम 1/2 टीस्पून ऑयल और इसमें हम डालेंगे 4 सीड्स यानी 4 मगज़, उनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने ये सीड्स दिए हैं। सीड्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, मैंने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई किया है फिर भी ये इतने चटक रहे थे। और मेरा कैमरा मैन जो है वो भाग जाता है जब भी कोई चीज़ जो है उछू उछू करके ऊपर उड़ती है। 4 सीड जो थे वो मैंने फ्राई करके इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी थोड़ा ये गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर को मैंने ग्राइंड कर लिया था, वैसे जो हलवाई लड्डू बनाते हैं तो वो इसमें बूरा डालते हैं, चीनी का बूरा उसे कहते हैं, वो तो मेरे पास नहीं था लेकिन मैंने चीनी शुगर को ही ग्राइंड करके उसको बारीक कर लिया। ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे होगा तो फिर मैं इसमें शुगर ऐड करके फिर इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर दें। बेसन हमारा जो है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्राइंड की हुई चीनी, शुगर। शुगर आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है जितना आप मीठा खाना चाहें। 1.5 कप जो था मेरा बेसन था तो मैं चीनी जो है वो साथ साथ डालती जाऊंगी। ये कुछ बादाम थे मेरे पास वो मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको मैं फिर हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अगर आपको लगे कि आपका बेसन जो है वो पतला हो गया तो आप थोड़ा सा बेसन रोस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर वो मतलब थिक है उसको आपने पतला करना है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें तो उससे वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और आपने बिल्कुल भी बहुत ठंडे बेसन में शुगर जो है वो ऐड नहीं करनी। थोड़ा सा जो रूम टेम्परेचर पर ठंडा होगा तो उसी में ऐड करेंगे तो आपके लड्डू जो हैं वो बहुत मज़े के बनेंगे। बेसन हमारा अच्छे से रेडी हो गया है, अब हम इसे लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। लड्डू आप अपने हिसाब से बनाएं जितने आपको पसंद है, बड़े छोटे जितनी आप बॉल लड्डू की बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बैटर लें और उसकी बॉल बनाएं और उसको पहले ऐसे हाथ से घुमाएं और उसके बाद फिर इसे अच्छा सा लड्डू बन जाएगा। आपने ऑयल जो है वो अपने हिसाब से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा डल जाता है तो फिर वो लड्डू जो है वो बहुत बेसन जो है वो पतला हो जाता है तो लड्डू जो उसमें हमने चीनी भी डालनी है तो बहुत रूम टेम्परेचर पे हमने उसे ठंडा करके डालनी है ताकि हमारा लड्डू जो है वो अच्छे से बने और बैटर हमारा पतला ना हो। अगर पतला हो जाएगा तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन फ्राई करके और डाल लें, अगर हार्ड बनता है तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें या घी डाल लें या बटर डाल लें। सारे लड्डू हमने रेडी कर लिए हैं, ये आखिरी लड्डू भी था और एक और है वो भी हम इसी तरह हाथ से आपने इस तरह पहले दबाना है उसको अच्छी तरह से फिर उसको आपने राउंड में घुमाना है तो वो अच्छे से लड्डू बन जाएगा। मज़ेदार से हलवाई जैसे बेसन के लड्डू हमारे रेडी हो गए हैं और यकीन माने इसमें इतना पेशेंस है कि आपको बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए तब जाके आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। और एक तो लो फ्लेम था और उस पर बेसन को फ्राई करना और काफ़ी टाइम लगा है, तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगा है मुझे, तकरीबन
13 मिनट तो हमने इसे फ्राई करने में लगाया, उसके बाद फिर हमने इसे ठंडा किया और सारा प्रोसीजर करते करते तकरीबन 1.5 आवर हमारे लगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इन लड्डुओं में तो बहुत सारे लाइक्स बनते हैं, और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मैं आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत ही सस्ती रेसिपी लेके आती हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।